यहाँ आप जी को ये दास एक ये सत्संग रूपी लेक्चर सुना रहा है, इनको आप जी ने सुनना ही पड़ेगा इस परमात्मा के पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी जो भी मालिक की दया है, कोशिश तो इन दासों की रहती है कि परमात्मा के बच्चों को कोई ऐसा भी दाना हो, हर तरह की संभव कोशिश करते हैं गर्मी सर्दी से आपको बचा कर फिर भगवान का गुणगान सुनाने की। फिर भी हमें इतना ढेर होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, जैसे हम कि तो बस में जावे हैं या ट्रेन में जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो छः छः घंटे एक पैर पर खड़े रहते हैं डंडा पकड़ के, इतनी भीड़ में भी हम कभी परवाह नहीं करते। जावा की तो उतर उतर न जगह को नहीं, उतर जावा ताकि आप सेंट लगे मजबूरी। तो पुण्यात्माओं, या थोड़ा बहुत आप जी को गर्मी सर्दी से थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है तो परमात्मा के निमित्त समझना, उसका पुण्य न्यारा होगा। और पहले हम ये ज्ञान नहीं था, भक्ति भी करते थे, भगत भी को आया करते थे और फिल्म भी देखा करते। अब पहले VCR होया करते और इसी लंबी लंबी उनकी कैसेट वारती तीन तीन घंटे की, संडे को दिन ले आते का आज VCR ले आवेंगे किराए पर और तीन फिल्म देखेंगे। इसे तो 100 रुपये किराया एक फिल्म में, इसे तीन फिल्मों में 100 रुपये किराया ही रात का। तो तीन तीन यानी 9 घंटे की फिल्म सांझ ने 7 बजे शुरू कर देते और तड़के 7 बजे ताई चाय बनवाए जाते, पिए जाते, नुआ अखबारें देखे जाते, लेना देना कुछ भी कोई ना। और यहाँ परमात्मा के लिए जितना भी समय आपको मिलता है सौभाग्य आपका, ये सत्कर्मा लेना, ये बार बार दाव नहीं लगा करता। इसे अमृत ज्ञान को सुनने का, ये दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए, भगवान की भक्ति करते करते हम थक लिए और कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं मिला जो लाभ दिया करता है, वो परमात्मा का हमें ज्ञान ही नहीं था। परमेश्वर क्या बताया करते, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओए होए, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 तक ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है और फिर वो अच्छी आत्माएं फिर परमात्मा के गुणगान आगे संसार को सुनाते हैं। उनमें से कौन कौन वो पुण्यात्मा है जिनको परमात्मा अपने स्वाभाविक गुण अनुसार आते हैं, वो लीला ऐसी ही करते हैं जो वेद बता रहे हैं, उनमें से परमात्मा किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को। ये वो श्रेष्ठ आत्मा, और इन पुण्यात्माओं ने, इन संतों ने आगे परमात्मा के गुणगान गाए, यही ज्ञान दिया जो परमात्मा उनको बता कर गई थी। उनके विषय में कह रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता डेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, हमें आपको ज्ञान सुना रहे हैं, और ये हमारे ज्ञान को ना सुनकर, इन हीरे मोतियों को ना पहचान कर, या अर्थात यथार्थ भक्ति मार्ग को ना जानकर, आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण रूपी ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं, कंकरों को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ी भर रखी है कि मैं लाल ले रहा हूँ, ये मैंने लाल ले रखे हैं। परमात्मा कहते हैं इन लालों की परख होगी धर्मराज के दरबार में, फिर रोग टक्कर मार के। ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया, वहाँ धक्के खान जाती रथ पे है, आज बिला कुंभ का मेला है, पर भी लागेगी सुबह 3 बजे, वहाँ देख दुनिया का कठ नुके, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बोली आत्मा,
मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे। गरीब दास कबीर साहब कहते हैं इस वियोग को हो समझ ना सकता कोई। आप तो मुझे ढूंढ रहे हो कबीर भगवान कह रहे हैं, और मैं तुम्हें रो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, तुम कितने कष्ट उठा रहे हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा और यहाँ तो इस काल के लोक में तुम्हें भाग्य से अधिक कोई नहीं दे सकता, वो मैं दूंगा, जो आवश्यक होगी वही दूंगा। और तुम बालक हो, अननेसेसरी डिमांड करोगे वह नहीं दूंगा, जो तुम्हारे भक्ति में बाधा करे वो नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से छुटा कर सतलोक ले जाना है। और सतलोक में जाने के बाद आपका ऐसे ही जन्म होगा, एक बार ऐसा ही होगा, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका वहाँ परिवार होगा, आप वहाँ से आए हो, आपके वहाँ पूरी व्यवस्था, पूरे महल मकान एज इट इज है, क्योंकि वो मकान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, नाश नहीं होते, बहुत सुंदर मटेरियल है। और वहाँ जाकर आप सदा रहोगे। हम अपनी गलती से उस परम पिता के दरबार के भरे थाली का ठोकर मार के आए हैं, इस काल के जाल में फंस गए। हमने यूँ प्यारा लगा इसकी एक्टिंग देख के, यूँ तपस्या कर रहा था वहाँ पर, और हम अपने भगवान को भूल कर इस काल के को अपना मान बैठे। आज इस काल ने हमारे साथ के जुल्म कर रखे है। अब आपको हमें ये लोक वेद सुना करते थे, ये अपने सदग्रंथों से अभी परिचित नहीं थे, ये ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि इन पुराणों से भी परिचित नहीं थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेद था, दंत कथा थी, और इनके जीवनी में लिखा है कि इतना नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है ज्योति नंदन। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी, ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपने सतीथी बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा, जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, दुर्गा इनकी माता है, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये होगा कि दुर्गा इनकी माता है।
तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं, और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल कबीर देव वो कबीर साहब कर सकते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिनको भगवान आकर मिले, उनमें से एक पुण्य प्राणी, पुण्य आत्मा, पुण्य महात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी परमात्मा की महिमा बताते हैं। मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। के विदाता ने जो भी आपके भाग्य में जो अंक लिख दिए पुण्य और पाप, वो आपने सारे भोगने पड़ेंगे, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा का उपासक है, वो कबीर परमात्मा और उसी का कृपा पात्र संत ही आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता, आपके दुखों का निवारण कर सकता है। गरीब जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अपने आत्मा, ये 5 दिन का सत्संग इसीलिए किया गया है, एक तो ऐसी दया परमात्मा की कि ये छुट्टियों के दिन, क्योंकि काल के कुल से छूटना भी बड़ा मुश्किल है। आप जी को यहाँ लेकर भी परमेश्वर ही आए हैं। आप परमात्मा की लीला से जो परिचित हो जाओगे बच्चों, आप रोया करोगे रजाई में मुंह दे के, अखे भगवान आप इतने दयालु, हम तक कति नालायक थे, हम तो उस काल के सांगने फाइनल मान रहे थे, या यो कार या कोठी या फैक्ट्री या मेरी, एक मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर कहाँ है ये मेरी, ये आँख खोल दी दाता ना हमारी, जो काल ने हमें मूर्ख बना गया, फंसा रखा है, यहाँ से हिलन नहीं देता, मोह ममता फंसा रहा कि बेटा बेटी पोते पोतियाँ में कार और कोठियों में, इसको हम सतीथि बोलते हैं ये पौराणिक, और यह ड्यूटी भगवान विष्णु की है सतोगुण की। और जो हम संतान उत्पत्ति करते हैं या ठाठ पाठ इकट्ठा करना चाहते हैं, ये करवा रहा रजगुण ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी है, और हमें असंहार कर रहा है ये शंकर जी की ड्यूटी है, ये तीनों काल के पुत्र हैं, और काल हमें 1,00,000 को डेली खा रहा है। अपने आत्माओं, ये ज्ञान समझ में होगा जब आप देखना है, यहाँ आपको लेकर भी परमात्मा आए हैं, आपकी जमानत करवाते हैं इस काल से, जैसे जेल से जमानत आते जिनकी कैद हो जाती है, उनको जमानत पर और एक विशेष एविडेंस पर छोड़ा जाता है, उसके जमानतियाँ के वो ली जाती है गारंटी, तब उनको छोड़ा जाता है। तो आपकी जमानत लेते हैं परमात्मा के, 3 दिन छोड़ दे, 4 दिन छोड़ दे, 2 दिन की दे दे जमानत, फिर वापस आ जाएंगे तेरी जेल में। तो पुणात्माओं, ये काल की जेल है। एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल बे, एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सत पुरुष भजन बिन सब ही यम की जेल रे। ओए, जैसे कोई इस सत साधना ना करके कोई पुण्य करते हैं, भंडारे करते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, प्याओ खुलवा रखी हैं, धर्मशालाएं बनवा रखी हैं, कुएं खुदवा रखे हैं, हैंडपम्प लगवा रखे हैं, वो पुण्यकर्मी प्राणी है। और एक नरी चोरी करे डाके मारे बुंडी अच्छी सोचे, वो पापी है। और एक कति दान नहीं करता कंजूस, वो भी। कहते हैं जब तक सत्साधन आपको नहीं मिलेगी, परमात्मा की शरण पूरे संत के माध्यम से नहीं मिलेगी, तो तुम सारे के सारे काल की जेल में ही हो। पुण्यकर्मी प्राणी चला गया स्वर्ग में, और यहाँ पाप भी बराबर होते रहते हैं, पैरनल पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग लिखे जाते हैं, और कोई भी बगैर भोगे वो खत्म नहीं होते, यहाँ का विधान है और परमात्मा कबीर जी का विधान है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण गासे।
हमारे तीन प्रकार के कर्म बताए हैं, एक संचित कर्म जो पहले के डिपॉजिट रखे हैं हम धर्मराज के दरबार में, पुण्य।